हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर का टाइटल है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में श्वसन एवं उत्सर्जन। पैरामीशियम में श्वसन एवं उत्सर्जन जनरल सेल सरफेस या पेलिकल के द्वारा होता है, जो कि सेमी परमिएबल है या सिलेक्टिव परमिएबल है, यानी कि अर्ध पारगम्य है। इसका मैकेनिज्म डिफ्यूजन या विसरण है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो गैसेस हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये मूव करते हैं। क्योंकि पैरामीशियम फ्रेश वाटर में रहता है, तो पानी के साथ घुलित ऑक्सीजन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस, जनरल सेल सरफेस के द्वारा अंदर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर से बाहर की ओर विसरित करती है। पैरामीशियम अमोनोटैलिक है, अमोनिया इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो अमोनिया भी जो है वो सेल के एंडोप्लाज्म से, क्योंकि वहाँ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से बाहर की ओर मूव करता है जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। इस चित्र में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पानी और उसमें घुलित ऑक्सीजन जो है वो पेलिकल के द्वारा बाहर से अंदर की ओर मूव करती है, क्योंकि बाहर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो सेल के एंडोप्लाज्म से अंदर से बाहर की ओर मूव करते हैं, जो जिनकी कंसंट्रेशन हायर है अंदर, और बाहर जो है वो कम है। तो डिफ्यूजन के द्वारा ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर से बाहर की ओर मूव करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।